नमस्कार, मैं हूँ आशी तिवारी। और आज मैं अभी YouTube देख रहा था तो एक वीडियो देखा मैंने जिसमें पाकिस्तान में लोग जुलूस निकाल रहे हैं धारा जो 370 को खत्म करने का जो प्रस्ताव दिया है अमित शाह ने। तो यहाँ पे कांग्रेस के कुछ नेताओं को तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में भी कई लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि उनको कश्मीर से बहुत हमदर्दी है। अरे इतना ही हमदर्दी था तो आतंकवादियों को क्यों भेज रहे थे भाई आप लोग? हाँ, सब बोलते थे क्या हिंदुस्तान का जन्नत है कश्मीर, आतंकवादियों को भेज भेज के एकदम तहस नहस कर दिया तुम लोगों ने, और अभी हमदर्दी जता रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को क्या है? अब अच्छा हो गया, अब कश्मीर के अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी के राज में कश्मीर के अच्छे दिन आ गए हैं। पहले जो कांग्रेस की सरकार जो नहीं कर पाई है, जो चीजें नहीं कर पाई है, मैंने सुना वहां पे जो चपरासी हैं उनका वेतन आज भी 2,500-4,000 इतना ही है। तो मैंने अनुमान लगाया कि वहां जो पुलिस वाले होंगे उनके हिसाब से जब उनकी गवर्नमेंट चल रही होगी तो कितना तनख्वाह मिल रहा होगा। इतनी गरीबी क्यों है जम्मू कश्मीर में, इतनी गरीबी क्यों है? वहां के लोग बाहर काम करने जाते हैं लेकिन कोई बाहर के लोग वहां पे नहीं जा सकते तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा? बाहर के लोग कैसे जाके वहां पे इन्वेस्ट करेंगे? जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक कोई बिजनेस उधर, कोई जॉब वॉब का भी चीजें नहीं होंगी, बड़े बड़े होटल्स नहीं खुलेंगे। एटलीस्ट अगर अच्छा बिजनेस वहां पे लोग जाएंगे, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहां के लोगों को कुछ काम तो मिलेगा। लेकिन चूतियों, तुम लोग इसका खिलाफत कर रहे हो किस लिए भाई? रीजन तो बताओ। खैर करते रहो, तुम लोग का कुछ होने वाला तो है नहीं। होना वही है जो मोदी और अमित शाह जी चाहेंगे और जो चाह रहे हैं वो तो हो ही गया।